हेलो साथियों, नमस्कार। मैं सुनील कुमार और हाजिर हूँ अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। फर्स्ट चैप्टर अपना हो चुका है भाई, जो हमने ग्रुप डी के लिए अपनी सीरीज़ शुरू की है। और सेकंड चैप्टर पे आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है फ्रैक्शन। साथियों, ये इस चैप्टर का विशेष जिक्र किया गया है हरियाणा ग्रुप डी का जो सिलेबस आया है उसके अंदर, और बाकी भी बहुत सारे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं कम्पिटिटिव, उनमें फ्रैक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आइए इस टॉपिक को पढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपने सेकंडों के हिसाब से उनको कैसे सोल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक फ्रैक्शन। साथियों, जब भी हम फ्रैक्शन सुनते हैं या भिन्न सुनते हैं, तो आपके दिमाग में आया होगा ऐसी संख्याएं सर जो किस फॉर्म में लिखी होती हैं, पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखी होती हैं, यानी कि अंश और हर के रूप में लिखी होती हैं। उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं, है ना। अंश यानी कि न्यूमिनेटर और हर यानी कि डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल 3/4, ऐसे संख्याओं को हम क्या बोलते हैं भाई, भिन्न बोलते हैं। ठीक है। अच्छा साथियों, एक छोटा सा जिक्र मैं आपसे करता हूँ, इस पे मुड़ के आएंगे हम, कि एक हम पढ़ते हैं भिन्न, इंग्लिश में बोलेंगे फ्रैक्शन, जिसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, पी बटे क्याओ की फॉर्म में। फिर आप कहोगे कि सर क्याओ जीरो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, है ना। जो बटे के रूप में लिखी होती हैं उन संख्याओं को भिन्न बोलते हैं। अच्छा भाई साथियों, ये होगी भिन्न, भिन्न की डेफिनेशन पूछो, जो बटे के रूप में होती हैं। एक होती है भिन्न, और भाई एक संख्याएं होती हैं प्रीमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं, प्रीमेय संख्याएं, जिनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है। एक तो हो गया फ्रैक्शन भिन्न, और एक हो गई प्रीमेय संख्याएं, रैशनल नंबर। यदि मैं आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपसे पूछूं, तो उसमें भी आप कहोगे कि वह संख्याएं जो किस रूप में लिखी होती हैं, पी बटे क्यू के रूप में लिखी होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रीमेय संख्याएं बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। और यहां पर भी कहोगे कि क्या वो जीरो नहीं होना चाहिए। सेम डेफिनेशन हम बोलते हैं भिन्न में, कि वो संख्याएं जो किसके रूप में होती हैं, पी बटे क्यू के रूप में, अंश और हर के रूप में जो होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, भिन्न। और साथियों भाई, प्रीमेय संख्याओं के बारे में पूछूं, तो तब भी हम क्या बोल देते हैं कि जो अंश और हर के रूप में होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रीमेय संख्याएं बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है ना, जो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के रूप में होती हैं। अब एक बात उठती है साथियों, कि भाई हमने भिन्न की भी वही डेफिनेशन दे दी और प्रीमेय संख्याओं की वही डेफिनेशन दे दी, तो इनमें फर्क क्या हुआ। यदि दोनों एक ही बात है, तो या तो भिन्न ही लिखना चाहिए या फिर प्रीमेय संख्या ही लिखनी चाहिए। अब भिन्न की भी वही बोला, पी बटे क्याओ के रूप में होना चाहिए, रैशनल नंबर भी वही बोला, पी बटे क्याओ के रूप में होना चाहिए, तो ये तो बात थोड़ी गड़बड़ में नहीं आ जाएगी, इनमें कुछ तो फर्क होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इनके बीच में फर्क होता है। क्या फर्क होता है देखो साथियों, जो यहाँ के पी और क्या है ना, अंश और हर हैं भिन्न के, ये बिलोंग करते हैं पूर्ण संख्याओं से, पूर्ण संख्याओं से। अब पूर्ण संख्याएं कौन सी, पूर्ण संख्याओं से यानी कि होल नंबर से। होल नंबर यानी कि होल नंबर कौन से होते हैं भाई, होल नंबर होते हैं जीरो से स्टार्ट होके 1, 2, 3, 4 इन्फाइनाइट। यानी कि साथियों, मैं सीधे सीधे शब्दों में बोलूं, यहाँ पर भिन्न के केस में पी और क्यू का मान पॉजिटिव होता है, या तो पी जीरो हो सकता है या उसको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। यानी कि पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। लेकिन प्रीमेय संख्याओं में जो ये पी और क्यू है ना, ये बिलोंग करते हैं पूर्णांक से, पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स से। किससे भाई, इंटीजर्स से। इंटीजर कौन से होते हैं साथियों, पूर्णांक कौन से होते हैं, नेगेटिव इन्फिनाइट से लेकर पॉजिटिव इन्फिनाइट तक की सारी संख्याएं, यानी कि नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। यानी कि यहाँ पी और क्यू का मान पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। भिन्न में पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, लेकिन
प्रिमेय संख्याओं में p और q पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं बात करूं कि भाई 3/4 क्या है, भिन्न है या प्रिमेय संख्या है? तो साथियों 3/4 एक भिन्न संख्या भी है और एक प्रिमेय संख्या भी है, रैशनल नंबर भी है. क्योंकि प्रिमेय संख्या में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं और भिन्न में पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये दोनों बातों को सेटिस्फाई कर रहा है. लेकिन मैं लिखूं माइनस के 3/4 क्या है, तो माइनस के 3/4 सिर्फ एक प्रिमेय संख्या है, ये भिन्न नहीं है. यानी कि ऊपर या नीचे, अंश या हर में, न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर में यदि माइनस का निशान आया तो वह सिर्फ क्या होगी, एक भिन्न, एक प्रिमेय होगी, वो भिन्न नहीं होगी. भिन्न में ऊपर और नीचे पॉजिटिव नंबर ही होना चाहिए. यानी कि सीधा सीधा फर्क है, यहाँ p q दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव, और यहाँ p और q पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ये फर्क जानना जरूरी है साथियों. यदि ये फर्क हमारे समझ में नहीं आया ना, तो फिर भिन्न को पढ़ने का कोई ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, राइट है ना? फिर तो हम याद करते रह जाएंगे. जैसे कि एक नंबर लिख लूँ मैं 5/-7, आपसे पूछूं बताओ भाई ये भिन्न है या नहीं है, ये भिन्न नहीं है. लेकिन मैं आपसे पूछूं क्या ये प्रिमेय संख्या है, हाँ बिल्कुल ये है प्रिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है. क्योंकि रैशनल नंबर में ऊपर नीचे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन भिन्न में सिर्फ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. अब एक क्वेश्चन थोड़ा उठा होगा आपके मन में कि सर भिन्न नेगेटिव क्यों नहीं होता, भिन्न नेगेटिव क्यों नहीं होता, बताइए क्यों नहीं होता नेगेटिव. चलो साथियों मैं इसका आंसर देता हूं कि नेगेटिव क्यों नहीं होता. देखो भिन्न, भिन्न इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन. भिन्न का मतलब एक मतलब और होता है हिस्सा. यदि भिन्न का दूसरा मतलब मैं बताऊं, हिस्सा. जैसे कि नहीं सुनते भाई ये संस्था इसकी एक अभिन्न अंग है, मतलब इसका एक पार्ट है. यानी कि भिन्न आपको कोई कोई भी चीज़ है, जैसे कि क्या होगा कि भाई मान लीजिए एक रोटी है, रोटी को बांटना है लोगों के बीच में, और उस रोटी के है ना टुकड़े कर लीजिए, कर लिए गए. मान लीजिए उस रोटी के 10 टुकड़े कर लिए गए. अब मान लीजिए हम सब उस रोटी के टुकड़े लेने के लिए भागे, तो हमें इसमें से कुछ न कुछ मिलेगा, या तो एक चीज़ होगी, या तो कुछ न कुछ मिलेगा, या कुछ भी नहीं मिलेगा. हमें मान लीजिए हमें इस रोटी का एक टुकड़ा मिला, एक मिला, तो हमें एक टुकड़ा मिला कितने में से, 10 में से. तो जो अपना हिस्सा हुआ उस रोटी में से वो कितना हुआ, 1/10. अब हो सकता है कि हम उसको लेने जाएं, हमें कुछ भी ना मिले. कुछ भी ना मिले तो क्या हो जाएगा, हमें 0 मिला किस में से, 10 में से. अच्छा भिन्न की एक डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि भिन्न p/q की फॉर्म में होता है और q 0 नहीं होना चाहिए, ये प्रिमेय संख्याओं में भी होता है. लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, क्या p 0 हो सकता है? मैं आपको बताऊंगा कि हाँ p 0 हो सकता है. साथियों नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 हो सकता है. क्योंकि कहीं से भी हम हिस्सा लें, हो सकता है हमें कुछ भी ना मिले, संभावना है ना, पॉसिबिलिटी है. लेकिन ये नहीं कि हम वहाँ दे के आएंगे. अब जैसे कि मैं कह रहा था ना कि भिन्न नेगेटिव नहीं होगा, पता क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कहीं से हम हिस्सा लेंगे, या तो हमें कुछ मिलेगा या कुछ भी नहीं मिलेगा, दो ही बातें होंगी. हम ऐसा नहीं होगा कि हम यहाँ लेने गए थे और हमें दे आए. यदि हम अपनी जब से दे के आएंगे तब नेगेटिव होता ना हिस्सा हमारा, हिस्सा या तो मिलता ही नहीं या कुछ न कुछ मिलता है. तो इसलिए भिन्न या तो क्या रहेगा, 0, और या क्या रहेगा, पॉजिटिव, राइट है ना. हो सकता है कि हमें इस रोटी में से 2 टुकड़े मिल जाते, तो 2 टुकड़े मिल जाते तो हमें 2 हिस्से, 2 टुकड़े मिल गए कितने में से, 10 में से. फिर जो अपना हिस्सा हुआ वो कितना हो गया, 1/5 हो गया. तो साथियों हमें जब हिस्सा मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं. और भिन्न दिखाता है हमें टोटल में से कितना मिला है.
हो सकता है कि हमें यहाँ से तीन टुकड़े मिल जाते, तीन टुकड़े मिल जाते तो हमारा हिस्सा तीन हो जाता कि इसमें से दस में से। अब जहाँ से हम हिस्सा लेने निकले हैं तो हमें कुछ न कुछ मिलेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमें कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि ऊपर वाला जीरो हो सकता है। अब एक क्वेश्चन छोटा आया होगा कि सर क्या वो जीरो क्यों नहीं होता। बच्चों कहीं पर भी यदि बटे में जीरो है, मान लीजिए मैं लिख दूँ 4/0, तो ये कुछ डेफिनेट वैल्यू हमें नहीं देगा। सर क्यों नहीं देगा डेफिनेट वैल्यू? देखिए 4/0 का मतलब क्या है कि 4 को भाग देना है। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ और फिर मुड़ के आता हूँ। अब हम इस डेफिनेशन को क्लियर करते हैं कि पी बटे क्या की फॉर्म में होता है, ऊपर वाला क्या होता है भाई अंश, और नीचे वाला क्या होता है हर। और हम कहते हैं क्याऊ जीरो नहीं होना चाहिए। अब इस चीज़ का आंसर जानते हैं कि क्याऊ क्यों नहीं जीरो होना चाहिए। जैसे कि मैंने लिख दिया 4/0, 4/0 का मतलब क्या है कि भाई हमें 4 को भाग देना है किससे, जीरो से। यही मतलब हुआ, 4 को भाग देना किससे, जीरो से। चलाएं इसको, मान लीजिए एक पे चलाओगे, 1 0 0 कितना बच गया, फिर से 4। और चलाएं, मान लीजिए मैं 5 पे चलाता, 5 0 0 फिर भी कितना आता, 4। मैं 8 पे चलाता, 8 पे तब भी कितना आता। यानी कि मैं यहाँ कितना भी लिख दूँ, कितना भी बड़ा नंबर लिख दूँ, यहाँ मैंने लिख दिया 522 तब भी जीरो, क्या आया, 4। क्या यहाँ पर कोई वैल्यू मिल पा रही है हमें फिक्स? क्या यहाँ की वैल्यू, क्या कोई डेफिनेट वैल्यू मिल पा रही है कि हाँ इस चीज़ की वैल्यू ये आई? यहाँ आपका जो मन करे वो लिख सकते हो, फिर भी क्या आना है, जीरो। फिर भी शेष कितना बचना है, 4। तो क्या भाई इस चीज़ का आंसर कोई डेफिनेट हो पाया? क्या कोई डेफिनेट वैल्यू आपको नहीं मिल पाई? कोई भी डेफिनेट वैल्यू नहीं मिल पाई, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ भी लिखो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। तो इसका मतलब ये होता है साथियों, यदि किसी भी नंबर के बटे में जीरो है वो क्या होता है, नॉन डेफिनेट होता है। नॉन डेफिनेट मतलब उसकी कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं है। और मैथ में बिना फिक्स किए तो फिर अंदाजे पे कैसे चलेंगे, ठीक है ना। इसलिए कहा जाता है कि पी बटे क्या की फॉर्म तो होती है, बटे की फॉर्म तो होती है, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, क्या वो जीरो नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जीरो उसको कितने पे चलाते रहो, कोई फिक्स वैल्यू आपके पास है ही नहीं है, तो नॉन डेफिनेट होता है, कोई वैल्यू मिलती नहीं। इसलिए पहले ही बोल दिया जाता है कि नीचे जीरो आपने नहीं करना है, ओके। और भाई और रीजन क्या है, अब बात उठती है कि क्या वो जीरो नहीं होना चाहिए, वो तो देख लिया क्यों नहीं होना चाहिए। अब बात यह है क्या पी जीरो हो सकता है, हाँ पी जीरो हो सकता है। अब कहोगे सर कैसे, मैं वो तो लिखा था 4/0, अब मैं लिख देता हूँ 0/4। अब 0/4 का मतलब क्या है कि जीरो को भाग देना किससे, 4 से, तो एक फिक्स वैल्यू पे चलेगा किस पे, जीरो पे, 4 0 0 शेष बच गया 0। अब यहाँ पर 0 ही आना है। क्या यहाँ पर आप 1 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, क्योंकि 4 1 4 माइनस के 4 शेष नहीं हो जाता। यहाँ पर फिक्स है यानी कि ये डेफिनेट है, मतलब कि वैल्यू जीरो होनी है तो होनी है। वो डेफिनेट नहीं था, वहाँ कुछ भी आता रहे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन यहाँ कुछ भी लिख दिया तो समस्या होगी। यानी कि यहाँ क्या आना है, जीरो ही आना है, इसलिए भाई ये क्या होता है, डेफिनेट होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऊपर जीरो लिख सकते हैं, हाँ पी जीरो के बराबर हो सकता है लेकिन क्या जीरो के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है साथियों। हमने बात शुरू की थी किससे, प्रमेय से और भिन्न के रिलेशन से। तो प्रमेय संख्याएं कौन सी, प्रमेय संख्याएं वो जिसके पी और क्याऊ जीरो नहीं होना चाहिए, दोनों केस में होता है ये। यहाँ पर पी और क्याऊ का मान पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, लेकिन भिन्न के केस में पी और क्याऊ का मान, ये बात तो यहाँ पर भी होती है, क्याऊ जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पी और क्याऊ का मान सिर्फ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये छोटा सा फर्क होता है किसमें, फ्रैक्शन में और प्रमेय संख्याओं में, रैशनल नंबर में, ठीक है साथियों, ओके। और भिन्न नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भिन्न क्या है, एक हिस्सा है, कभी भी कहीं से हमें हिस्सा मिल रहा हो वो नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए भिन्न का अंश और हर दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो साथियों
जो प्रिमेय संख्याएं हैं, रैशनल नंबर हैं, वो तो हमें नंबर सिस्टम में डिस्कशन करनी होती हैं। इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हमें किसके ऊपर बात करनी है, हमें बात करनी है किसके ऊपर भाई, फ्रैक्शन के ऊपर, ठीक है ना। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, और सीधी सीधी हम बात जान गए इसके बारे में कि भिन्न कौन होता है, जो पी बटे क्या के रूप में न्यूमिनेटर अंश के रूप, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर हर होता है, और क्या वो जीरो नहीं होता, क्यों नहीं होता हमने देख लिया। पी जीरो हो सकता है, हाँ हो सकता है, राइट है ना भाई। तो अब साथियों अंश और हर के आधार पर, ऊपर वाले को अंश बोलेंगे, नीचे वाले को हर, जैसे कि एक भिन्न लिख दूं मैं 5/7, तो ये इस भिन्न का क्या है भाई, अंश है, न्यूमिनेटर है, और ये इस भिन्न का क्या है, हर है, डिनोमिनेटर है, इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोल देते हैं। ओके साथियों भाई, अंश और हर के आधार पर भिन्न के दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार के भिन्न होते हैं अंश और हर के आधार पर, कौन से, एक भिन्न होता है उचित भिन्न और एक होता है अनुचित भिन्न। उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, ठीक है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कि सर इनमें क्या फर्क होता है प्रॉपर और प्रॉपर में, ये कैसे बांटे गए, ये अंश और हर के आधार पर बांटे गए, अंश और आधार के, अंश और हर के आधार पर कैसे। साथियों भाई, जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है उस भिन्न को हम उचित भिन्न बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, और जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा होता है, जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा होता है उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये थोड़ा छोटा कर लो, सारा दिख जाएगा आपको, हाँ ठीक है। जैसे कि मैं लिखूं 3/4, 3/4 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक उचित भिन्न है, क्योंकि इसका अंश छोटा है किससे, हर से। लेकिन मैं लिख दूं 4/3, तो 4/3 एक अनुचित भिन्न है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका अंश बड़ा है किससे, हर से, इसका न्यूमिनेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो अंश और हर के आधार पर भिन्न के दो टाइप हैं, उचित और अनुचित। अब पहले तो एक क्वेश्चन होता था, अब तो नहीं एग्जाम में आता, शायद ही नहीं पूछेगा आपसे क्वेश्चन, क्या होता था कि आपको चार ऑप्शन दे दिए जाते थे और ये पूछा जाता था बताइए इनमें से उचित कौन सा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि भाई चार ऑप्शन दे दिए, एक दे दिया 5/4, एक ऑप्शन दे दिया भाई 3/2, एक ऑप्शन दे दिया 1/4, एक ऑप्शन दे दिया 8/7, और इनमें से पूछ ले बताइए प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है, उचित भिन्न कौन सा है। तो उचित भिन्न कौन सा है, जिसका अंश छोटा है किससे, हर से। तो यहाँ पर इकलौता कौन ऐसा भिन्न है, ये भिन्न है, तो ये अपना उत्तर हो जाता, राइट है ना। लेकिन अब ऐसे कोई, ये लेवल बहुत पुराना हो चुका है थोड़ा। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, यदि मैं उचित भिन्न से अपना क्वेश्चन बनता है पेपर में, उचित भिन्न से अपना पेपर में क्वेश्चन कैसे बनता है, देखो ये चलो मैं सारा ही ऊपर निकाल देता हूँ, आप समझ गए उचित कौन सा, अनुचित कौन सा, प्रॉपर कौन सा, इम्प्रॉपर कौन सा। क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में उचित भिन्न से, आपको कह देगा उन सभी उचित भिन्नों का योगफल ज्ञात करें, योगफल ज्ञात करें जिनका हर 20 है। उन सभी उचित भिन्नों का योगफल ज्ञात करो जिनका हर 20 है। उचित भिन्न पहले हमें पता होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन जिसका अंश छोटा है, हर बड़ा है। ये कह रहा है उन सारे भिन्नों को जोड़ो, उन उचित भिन्नों को, कौन से भिन्नों को, उन उचित भिन्नों को जिनका हर क्या है, 20 है। तो एक उचित भिन्न बन गया भाई 1/20, और यदि मैं कहूँ तो 0/20 भी एक भिन्न होगा, बिल्कुल होगा, 0 हो सकता है ऊपर। एक बना 0/20, एक बना 1/20, एक बना 2/20, एक बना 3/20, 4/20,
बीस, ये कट जाएंगे आगे चल के, और एक लास्ट में बनेगा 19/20, ठीक है ना। हर क्या होना चाहिए 20, हर तो पहले फिक्स कर दिया, और उचित भिन्न होना चाहिए, तो ये भी एक उचित भिन्न है, ये भी एक उचित भिन्न है, ये भी, ये भी, ये भी, और 19/20 भी, सारे उचित भिन्न हैं। इनका क्या पूछ रखा है, जोड़, कि इन सब का क्या बताओ, जोड़ बताओ। हर होना चाहिए 20 और उचित भिन्न होना चाहिए, तो 0 से लेकर 19 तक अंश हो सकता है, कहाँ तक, 0 से लेकर 19 तक, क्योंकि अंश को छोटा रखना है ना, हर से उचित ही रखना है। तो ये जोड़ पूछ रखा है, ये जोड़ पूछ रखा है, तो सीधी सी बात है, एलसीएम कितना आ गया 20, ऊपर जोड़ आएगा। 0 तो जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, शुरुआत कहाँ से कर लें, एक से, क्योंकि 0 को जोड़े ना जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। 2, 3, 4 कहाँ तक, 19 तक, ये अपना आंसर बनेगा, ये अपना आंसर बनेगा। तो 1 से 19 तक जोड़ना है। अब नंबर सिस्टम में ये बात हम सीखते हैं, ऐसे थोड़ा जोड़ने का थोड़े टाइम है पेपर में अपने पास, फटाफट काम करना है। तो 19 तक की लगातार संख्याएं जोड़नी हो तो कैसे जोड़ोगे, 19 को लिखो, उसे नेक्स्ट नंबर से गुणा करो और 2 से भाग दे दो, ये डायरेक्ट जोड़ा जाएगा। जैसे कि आपने ये कह दिया भाई 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस 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 100, अब ये थोड़ी कि जोड़ने बैठे हैं 100 तक, हम इतना वक्त कहाँ है, इसी में सारा टाइम चला जाएगा। तो साथियों भी जोड़ना हो तो क्या करना है, 100 उससे नेक्स्ट नंबर से गुणा, और पूरे को किससे डिवाइड कर दोगे, 2 से, तो 50 से गुणा करवाओ, 50 पे काट देगा ना 100 को 2, और गुणा कराओगे 0, 5 × 5 5 0 0 5 × 5, तो कितना है भाई साथियों, 5050। तो वैसे ही हमें कहाँ तक जोड़ना था, 1 से 19 तक, तो 19 × 20/2, और इसको किससे भाग देना है, 20 से। हम पहले गुणा नहीं करवाएंगे, पहले हम भाग ही दे देंगे, 20 से भाग देना तो है ही, है ना, क्योंकि जो एलसीएम है वो 20 आया था। अब क्या होगा यहाँ से, ये 20 से 20 कट जाएगा, 19/2, 2 × 18 और 2 × 5 = 10, आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 9.5। ओके क्लियर है भाई, एक बार और देखो, जिनका हर 20 है वो सारे उचित भी नहीं है, और इनका क्या पूछ रखा हमसे, जोड़, तो इनका हमने जोड़ कर दिया, जोड़ किया तो एलसीएम कितना आ गया 20, ऊपर 0 जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, 1 से लेकर कहाँ तक, 19 तक, 1 से लेकर 19 तक 19 × 20/2, और किससे डिवाइड करना है, 20 से डिवाइड करना है, कैंसल, 9.5, या पहले आप जोड़ लेना फिर उसको 20 से भाग देना, 9.5 ही आना है। एक क्वेश्चन और करते हैं, उन सभी उचित भिन्नों का योगफल ज्ञात करें, सम ज्ञात करें, भाई इंग्लिश वाले में बोलता रहूँगा, बीच बीच में बता दूंगा, जो डिफिकल्ट वर्ड आएगा उसको इंग्लिश में बोल दूंगा साथ के साथ, वैसे आप समझ जाओगे। उन सभी उचित भिन्नों का, उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन, सम ज्ञात करें जिनका हर 50 है, हर 50 होना चाहिए और उचित भिन्न होना चाहिए, और सारे का जोड़ करो। तो हर पहले फिक्स है, एक तो बन गया भाई 0/50, 1/50, 2/50, 3/50, 49/50 तक जाना पड़ेगा ना, क्योंकि अंश को हर से छोटा रखना जरूरी है, क्योंकि वही तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, वही तो उचित भिन्न होगा। अब सब कैल्शियम 50 है, 50 तो आना ही, 0 जोड़ने की जरूरत नहीं, 1 + 2 + 3 + 4 कहाँ तक भाई, 49 तक। तो वही तरीका अपना, 1 से 49 जोड़ना है, 1 से 49 जोड़ना है, तो 49 नेक्स्ट नंबर से गुणा 50/2, ये तो जुड़ गए, 2 और 2 में और क्या करना है, 50 करना है, 50, तो 50 से 50 कैंसल, कितना भाई, 49/2, 49/2, तो 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, कितना, 49.5। अब हम इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके एक निर्णय पे पहुंच जाएंगे कि ये भी सारा ड्रामा हमें कोई करने की कोई जरूरत नहीं, यदि इस फॉर्मेट को हम समझ गए हों। कहाँ तक जाना है भाई, उन सभी उचित भिन्नों का योगफल ज्ञात करो जिनका हर कितना है, 50 है, तो लास्ट में कौन आएगा, ऊपर 49 आएगा। सिर्फ आपने क्या करना है, जो ये है ना लास्ट का स्टेप है,
इसको दो से डिवाइड कर दो, इसको दो से डिवाइड करोगे कितना, 24.5 आपका डायरेक्ट उत्तर होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं भाई, उन सभी उचित भिन्नों का योगफल ज्ञात करो जिनका हर, मान लीजिए आपको कह दे 100 है, जिनका हर क्या है 100 है, तो सीधी सी बात है क्या करना है, 0/100 प्लस में 1/100 प्लस 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 99/100। तो इसका डायरेक्ट उत्तर क्या है, यहाँ क्या है भाई, 99, 99 को 2 से भाग दे दो, 2 चौके 8, 2 निमा 18, 2 पंजे 10, 49.5। ओके, यह आराम आराम से प्रैक्टिस से चीजें बन जाएंगी, बाकी आपको डिटेल भी पता लगी। ऐसा क्वेश्चन दिखे तो अटैक डायरेक्ट करना है, 5 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व करो और बाहर निकलो, ठीक है ना, क्योंकि हमें 50 सेकंड मिलेंगी, 1 मिनट मिलेगी एक पर्सन के लिए, हमें चाहिए ही नहीं, हमें सिर्फ 5 सेकंड चाहिए। ओके चलो भाई साथियों, ये तो था साथियों कि भाई भिन्न के दो प्रकार होते हैं, किसके आधार पर, अंश और हर के आधार पर, एक कौन सा उचित और एक कौन सा अनुचित, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन और इसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो साथियों भाई अंश और हर के आधार पर तो दो ही टाइप होते हैं, इसकी क्वालिटीज के आधार पर, इसके गुणों के आधार पर, ठीक है, भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, इसकी क्वालिटी के आधार पर भिन्न के फ्रैक्शन के तीन टाइप होते हैं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन अपने पेपर में आते हैं। साथियों भाई भिन्न तीन प्रकार का होता है, कौन सा सर, एक होता है साधारण भिन्न, साधारण भिन्न, साधारण भिन्न यानी कि सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन, और एक होता है भाई साथियों दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, और एक होता है सतत भिन्न, सतत भिन्न, सतत भिन्न यानी कि कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तीन टाइप का होता है क्वालिटीज के आधार पर, कौन सा, सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन एंड कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। आप कहोगे सर भिन्न तो आपने एक ही बात बताई थी, पी बटे क्याउ की फॉर्म में होता है वही भिन्न होता है, तो ये तीन टाइप कैसे निकल गई, बात तो वही है, लेकिन देखो मैं एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ कि इन तीनों में क्या फर्क होता है। देखो इस चीज को समझते हैं भाई, सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन जो सिंपली पी बटे क्याउ की फॉर्म में लिखा होता है, जैसे कि 3/4 एक सिंपल फ्रैक्शन है जिसका हमें आराम से पता लग जाए ये इसका अंश है और ये इसका हर है, जिसमें हमें अंश और हर देखने के लिए ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, डायरेक्ट ही दिखे, सिंपली दिखे, उस फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम, सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न। सर ये डेसिमल फ्रैक्शन कौन सा होता है, डेसिमल फ्रैक्शन कुछ ऐसे देखो, जैसे कि मैं एक संख्या लिख लूँ 0.25, इसको मैं सोल्व करूंगा तो कितना बन गया भाई, 25/100, 25 एकम 25, 25 का 100 क्या निकला, 1/4। अब 1/4 एक भिन्न है, बिल्कुल है, अंश और हर, लेकिन 1/4 किसके रूप में लिखा हुआ था, दशमलव के रूप में लिखा हुआ था, तो जो भिन्न दशमलव के रूप में लिखा होता है उसी को दशमलव भिन्न बोलते हैं, जो फ्रैक्शन डेसिमल के रूप में लिखा मिले उसी को डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। सतत भिन्न, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन कौन सा होता है साथियों, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन जैसे कि आपको कहे 2 + 3/4, इसके बटे में 1 + 5/7, इसके बटे में 1 + 3/4, इसके बटे में 2 + 1/3। वैसे भिन्न के मिश्रित भिन्न, ये भिन्न वो भिन्न, कॉन्टिन्यूड डिसकॉन्टिन्यूड सतत वितत, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ों में आपने घुसने की कोई जरूरत नहीं, हमें एग्जाम पे डायरेक्ट अटैक करना है, राइट है ना, डायरेक्ट अटैकिंग में तीन टाइप हमें आराम से पढ़नी है, साधारण, दशमलव और सतत, राइट है ना, जो सिंपली लिखे मिले अंश और हर के रूप में, जो दशमलव के रूप में लिखा मिले डेसिमल फ्रैक्शन, और जो ऐसे चलता रहे 1/1, फिर उसके बटे में हो, फिर उसके बटे में हो, फिर उसके बटे में हो, तो ऐसे को बोलते हैं सतत भिन्न,
कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। अब हमें इन तीनों को बारी बारी से करके पढ़ना है, ठीक है ना। पहले हम साधारण भिन्न को पढ़ेंगे, फिर हम दशमलव भिन्न को पढ़ेंगे, फिर हम सतत भिन्न को, राइट है। आपके सिलेबस में एक लिख रखा है कि भाई फ्रैक्शन एंड डेसिमल, जो डेसिमल और फ्रैक्शन की बात है, जो इसको पढ़ेंगे ना, तो मैथ में लिख रखा है एक टॉपिक डेसिमल से क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें हम डेसिमल को भी डिस्कशन करेंगे। मैं सही सही बताऊं तो ये डेसिमल ही होता है, जब डेसिमल नंबर को डिस्कशन करते हैं तभी अपना डेसिमल फ्रैक्शन निकल के आता है। तो एक किस्म से आपके सिलेबस में लिखे हुए दो टॉपिक के ऊपर हम बात कर लेंगे, डेसिमल के ऊपर भी और फ्रैक्शन के ऊपर भी, ठीक है ना। ये दोनों को आराम से अपने अंडर में ले लेगा। तो बारी बारी से काम करना साथियों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे साधारण भिन्न, फिर दशमलव भिन्न, फिर सतत भिन्न, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। तो सबसे पहले अपनी हेडिंग डालिए, कौन सा, साधारण भिन्न। आओ साधारण भिन्न को पढ़ते हैं, ठीक है। बारी बारी से आते रहेंगे, इनको बिल्कुल खोल के बताऊंगा मैं। तो भाई अपना फर्स्ट साधारण भिन्न, ठीक है ना। सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन बच्चों। अब कहोगे सर इसमें पढ़ाने का क्या है, ये तो हमें पता लग ही गया, जो सीधा पी बटे क्या की फॉर्म में होता है वो क्या होता है, साधारण भिन्न होता है, सिंपल फ्रैक्शन होता है, 5/7। बोलो इसमें लिखने की क्या बात है, समझने की बात क्या, क्या समझाओगे इसमें, 5/7 क्या है, एक साधारण भिन्न है, बिल्कुल है भाई। लेकिन अब बात उठती है कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह का रहता है। तो देखो क्या भाई, देखो साथियों 3/4 एक साधारण भिन्न है, बिल्कुल जी एक साधारण भिन्न है। 5/8 क्या एक साधारण भिन्न है, बिल्कुल सर एक साधारण भिन्न है। 1/3 एक साधारण भिन्न है, बिल्कुल है। 11/12 एक साधारण भिन्न है, बिल्कुल है। तो साथियों करोगे करेगा क्या एग्जामिनर, आपके लिए क्वेश्चन में 4 या 5 या 3 साधारण भिन्न लिख देगा। जैसे कि यहाँ पर कितने साधारण भिन्न लिख दिए, 4 साधारण भिन्न लिख दिए। अब आपसे 4 क्वेश्चन पूछेगा, ये लिखे 4 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। कहेगा बताओ इनमें सबसे छोटा कौन है, 4 संख्याएं लिखी हुई है ना, तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, एक क्वेश्चन। दूसरा बताओ इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन इन्हें आरोही क्रम में लगाइए, आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, या आपको कह देगा इनको अवरोही क्रम में लगाइए, अवरोही क्रम में, घटते क्रम में, डिसेंडिंग में, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। तो बच्चों ये इस तरह से क्वेश्चन रहेगा कि आपके सामने 4 या 5 या 3 साधारण भिन्न लिख दिए जाएंगे, पूछेगा सबसे छोटी कौन सी है, पूछेगा सबसे बड़ा कौन सा है, आरोही क्रम में लगाओ अवरोही क्रम में लगाओ, क्लियर है। तो आओ इन चारों तरह के क्वेश्चनों का जवाब देना हम फटाफट सीखते हैं और देखते हैं कि सेकंडों के हिसाब से कैसे इनका आंसर दे देंगे, ठीक है। ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं रहेगी अपने लिए, अभी देखो अभी उड़ा देते हैं इनको। पहले हम क्या कर देते हैं, 2 ही संख्या से शुरुआत कर लेते हैं, जैसे कि 2 संख्याएं दे दी, एक दे दिया 3/4 और एक दे दिया भाई 5/7, 2 भिन्न दे दिए कि बताइए इनमें बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, बस यही 2 में तो क्या पूछेगा, बड़ा छोटा अवरोही अवरोही की तो कोई बात होगी नहीं, फिर वो तो 3-4 देगा तब बात बनेगी। तो इनमें सबसे बड़ा, इनमें बड़ा कौन सा है और इनमें छोटा कौन सा है। तो देखो एक तो अपने पास अच्छा खासा टाइम होता तो हमें ज़्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं थी, सीधी सी बात है। 3/4 का मतलब क्या है कि 3 को भाग देना किससे, 4 से, और भाई 5/7 का मतलब क्या है, भाई 5 को भाग देना किससे, 7 से। तो ये पॉइंट लग गया 0, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, 4 7 28 बच गए 2, 0, 4 5 20 और ये भी पॉइंट लग गया 0, 47 49, ठीक है 1 बच गया 0, 7 1 7 3 बच गया, अब आगे जाने की जरूरत नहीं, फैसला हो चुका। ये तो है 0.75, ये क्या भाई 0.75, और ये क्या है 0.71, तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, पहला तो 7 7 है लेकिन यहाँ 5 है और वहाँ 1 है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है।
लेकिन पेपर में इतना टाइम अपने पास नहीं कि हम आराम से भाग दे के देखेंगे, भागफल को देख के बता देंगे कौन बड़ा कौन छोटा। ऐसे तो यही इसी क्वेश्चन को नहीं करते रह जाएंगे, तो क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल भी सोल्व नहीं करना। चलो मैं इन संख्याओं को लेता हूँ दोबारा से, ठीक है। संख्या ले ली भी कौन सी है, 3/4 और 5/7, 3/4 और 5/7, कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है। आपने करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवानी है, इसकी गुणा करवा देनी है इससे और इसकी गुणा करवा देनी है इससे। गुणा करवाइए, 7 * 21 और 5 * 20, फैसला हो गया कौन बड़ा कौन छोटा। जिसके ऊपर बड़ा नंबर हो बड़ा, जिसके ऊपर छोटा नंबर हो छोटा। ये आपका बड़ा है, 21 बड़ा है और ये आपका छोटा है, बात खत्म। सर कैसे, और एग्जांपल देखो, मैंने ले लिया एक 2/3 और एक संख्या है 5/8, बताइए इनमें कौन बड़ा और कौन छोटा। इसकी गुणा इससे करा दो, 8 * 2 = 16, इसकी गुणा इससे करा दो, 5 * 3 = 15, कौन सा बड़ा आया, ये। तो ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है। जब दो ही हों तो फैसला सेकंडों के हिसाब से हो जाएगा, फैसले तो सारे ही सेकंडों के हिसाब से होंगे। जहाँ ये समस्या करेगा कोई और इलाज कर देगा उस चीज़ का। जैसे कि आपको कही भाई 11/13 और 2/3, बताइए इनमें कौन बड़ा और कौन छोटा। इसकी गुणा इससे 11 * 3 = 33, इसकी गुणा इससे 13 * 2 = 26, तो सीधी सी बात है ये बड़ा और ये छोटा, फैसला हो गया। आप कहोगे सर दो से ज़्यादा संख्या हो जाए तो फिर क्या करें, फिर तो हमें समस्या नहीं आ जाएगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगी। समस्या आ गई तो मेरा काम क्या है फिर, आपको समस्या आ गई तो फिर बाढ़ में जाए मेरे जैसे टीचर, समस्या तो आनी नहीं चाहिए। 2/3, 5/7, 1/4, मान लीजिए आपको कितनी संख्याएं दे दी, 3 संख्याएं दे दी। अब इनमें कह दे भाई, मान लीजिए इनमें कह दिया सबसे बड़ा बताओ, ठीक है ना। क्वेश्चन करेगा तो सबसे बड़ा पूछेगा या सबसे छोटा पूछेगा, या आगे चल के आरोही अवरोही में हमें लगाने पड़ेंगे। तो इनमें क्या बताओ, सबसे बड़ा बताइए। तो देखो सबसे बड़ा बताते हैं, क्या करो पहले इन दोनों का मैच करा दो, 7 * 2 = 14, 3 * 5 = 15, बड़े के बड़े में कौन जीता, 5/7, 2/3 हार गया। इसका मतलब 2/3 तो सबसे बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन 5/7 का फाइनल किसके साथ बाकी रह गया, 1/4 के साथ। 5/7 का फाइनल किसके साथ भाई, 1/4 के साथ। करवाओ गुणा, 5 * 20, 7 * 1 = 7, कौन जीत गया फाइनल, कौन जीत गया, 5/7, तो ये सबसे बड़ा है, तो फाइनल जीत जाएगा वही सबसे बड़ा है। और एग्जांपल लेते हैं, 2/3, 7/8, 5/6, बताइए इनमें भी का दे भाई सबसे बड़ा बताओ। अगला क्वेश्चन फिर सबसे छोटे का ले लूँगा, सबसे बड़ा बताओ। कराओ मैच, 8 * 2 = 16, 7 * 3 = 21, कौन जीत गया, बड़े में 7/8 जीत गया, ये हार गया भाई। और 7/8 का फाइनल 5/6 के साथ, तो 7 * 6 = 42 और 8 * 5 = 40, अब भी कौन जीत गया, 7/8, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 7/8 है। बता दोगे, मैच करवाते रहो, जो फाइनल जीत गया वही आपका उत्तर है। अब सबसे छोटे का केस कर लेते हैं एक, देखो हमें कह दे भाई 2/5, 1/4 और भाई साथियों 1/ ले लो 3/8, ठीक है ना। ये दोबारा लिख दूं मैं, 3/8, इनमें सबसे छोटा बताइए, इनमें सबसे छोटी संख्या बताओ कौन सी है। तो सबसे छोटे का मैच करवा लो ना, मैच कराओ पहले दोनों का, 4 * 2 = 8, 5 * 1 = 5, कौन जीता, 1/4, सबसे छोटे में कौन जीता, 1/4, नहीं सबसे छोटे में नहीं, पहले मैच में, पहले मैच में तो 1/4 जीत गया छोटे में, क्योंकि यहाँ 8 आ गया, यहाँ 5 आ गया। अब ये तो सबसे छोटा नहीं हो सकता क्योंकि इससे छोटा मौजूद है 1/4। अब 1/4 का फाइनल किसके साथ, 3/8 के साथ, 8 * 1 = 8, 4 * 3 = 12, कौन जीत गया, 1/4 जीत गया। तो सबसे जो छोटा होगा वो कौन होगा, 1/4 होगा, बात खत्म। होगा नहीं होगा,
बिल्कुल होगा। और एग्जांपल लेते हैं सर, और एग्जांपल लेके दिखाओ हमें, बिल्कुल बात पक्की होनी चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्सन है, पर्सन आएगा आगे, चार चार संख्याएं मिलेंगे, 3/4, 1/3, 11/12, ये ले लिया। सबसे छोटा निकालेंगे, इन दोनों की कराओ, 9/4 कौन जीत गया, 1/3, 1/3 का फाइनल किसके साथ, 11/12 के साथ, ये 12 एकम 12, ये 11 तिया 33, कौन जीता, 1/3, बात खत्म। ओके, सबसे छोटे में 1/3 जीत गया। अब आप कहोगे कि सर जब संख्याएं चार हो जाएं तब क्या करें, जैसे कि है हमने ली थी चार संख्याएं भी, मेरे ख्याल से यहां लिखे मिलेंगी, चलो नए पेज पर ले लेते हैं यार, 3/4, 5/8, 1/6, 11/12, संख्याएं कितनी दे दी, चार दे दी। अब चार संख्याएं दे दी, अब इसमें से कहेगा सबसे बड़ा बताओ भाई, सबसे बड़ा बताओ, या कह देगा सबसे छोटा बताओ। तो सबसे बड़ा बताते हैं इनमें, सबसे पहले इनका मैच कराओ दोनों का, 8 तिया 24, 4 पंजा 20, बड़े का जीता 3/4 ने, क्योंकि उसके ऊपर 24 आ गया, उसके ऊपर 20 आया। 3/4 का मैच किसके साथ, 1/6 के साथ, 6 तिये 18, 4 एकम 4, ये भी मैच कौन जीत गया, 3/4 जीत गया। और 3/4 का फाइनल होना है किसके साथ, 11/12 के साथ, तो 11/12, 12 तिये 36 और 11 चौके 44। अब फाइनल में मौके पे चौका किसने लगा दिया, 11/12 ने, ये अब तक जीतता आ रहा था, लेकिन फाइनल में कौन जीत गया, 11/12, बड़े बताना है ना, तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 11/12 होगी, राइट है। सबसे छोटी पूछता तो सबसे छोटे का केस करते आते। लेकिन साथियों ये बात जहां तक राह लगती है कि भाई कह दे सबसे बड़ा तो सबसे बड़ा देख लेंगे, कह ले सबसे छोटा तो सबसे छोटा देखते आ जाएंगे, लेकिन समस्या तो तब जागेगी जब कह देगा इसको आरोही क्रम में लगाओ, इसको किसके क्रम में लगाओ, आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब कौन से ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, इसको बढ़ते हुए क्रम में लगाओ, अब होगा ना काम। तो अब कैसे होगा, आरोही क्रम में उसने कहा कि पहले छोटा लिखो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो हमें क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते 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 सबसे छोटा ढूंढना पड़ेगा, बिल्कुल ढूंढना पड़ेगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबसे बड़ा ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा तो लास्ट में आएगा, बिल्कुल सही बात है। फिर दो और बच गए, सबसे दूसरे पे कौन आएगा और तीसरे पे कौन आएगा, उनकी फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी, और जो दूसरे पे आएगा वो यहाँ पर, जो तीसरे पे आएगा वो यहाँ पर। तो यदि हमसे आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर पूछता है, तो जो ये क्रॉस मल्टीप्लाई है ये कितनी बार करनी पड़ गई, 3 से 4 बार करनी पड़ गई, 4 बार करनी पड़ गई, इसका मतलब हम 4 क्वेश्चनों का टाइम ले चुके होंगे। और यदि 4 क्वेश्चन का टाइम अपने हाथ से निकल गया तो गए हम तो काम से। तो जो अपने पास एक ऐसा मेथड होना चाहिए जो इसको 30 सेकंड के अंदर सोल्व करके दे, चाहे हमसे इनका आरोही क्रम पूछे, चाहे इनका हमसे अवरोही क्रम पूछे, असेंडिंग पूछे या फिर डिसेंडिंग पूछे। देखो फिर कैसे करना हो काम। संख्याएं कौन सी है, 3/4, ये लेता हूँ मैं, संख्याएं छोटा कर लेता हूँ इसको, इधर आ जाए भाई, तो क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई 2 में अच्छी लगी, 3 में अच्छी लगी, जब तक सबसे छोटा पूछ रहा था अच्छी लगी, सबसे बड़ा पूछ रहा है कोई बात नहीं, आरोही अवरोही क्रम पूछ लिए ना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई है ना हमें बर्बाद कर देगी। देखो अब करना कैसे है, 3/ और सर कहोगे कि सर इतना जरूरी नहीं था क्रॉस मल्टीप्लाई सीखना, तो फिर अब तक हमने टाइम क्यों बर्बाद किया, ये काम आएगी, एक जगह तो खोटा सिक्का भी चल जाता है ना, ठीक है ना, ये काम आएगा। जो घर में सबसे ज़्यादा शरारती होता है और जो ज़्यादा काम दाम नहीं करता, लेकिन वो भी बड़ा काम आ जाता है, जब मान लीजिए कहीं लड़ाई लड़ुई होगी तो संभालता वही मोर्चे को फिर, है ना, तो ये संभालेंगे, लेकिन मेन काम करना है, घर का बैलेंस करना है, तो फिर तो एक अच्छा सदस्य ही चाहिएगा, अच्छे वो काम करने वाला सिंसियर था, तो उसमें भी जैसे कि बड़ा भाई होता है घर में, छोटे वाली की थोड़ी मौज होती है भाई। देखो 3/4, 5/8, 1/6, 11/12,
ओके तो इसमें इसको अब हमें आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऐसे करना है। तो अब देखो इसको करना कैसे, नीचे देखो कौन है, यहाँ चार है, यहाँ आठ है, यहाँ छः है और यहाँ 12 है। बस आप एक बात का पता कर लो, चार आठ छः 12 से भाग होने वाली संख्या कौन सी है, तो आप पाओगे 24 है सर। 24 छः से भाग हो जाएगी, आठ से भी हो जाएगी, छः से भी हो जाएगी और 12 से भी हो जाएगी, हो जाएगी ना 24। तो सबकी गुणा 24 से करा दो, सबकी गुणा किससे करा दो, 24 की, 24 की गुणा कर दो सबके साथ। चार छिका 24, छः तीये 18, आठ तीया 24, पाँच तीये 15, छः चौका 24, चार एकम 4, 12 दूनी 24, 11 दूनी 22, बन गई अपनी बात। जिसके ऊपर बड़ा नंबर हो बड़ा, जिसके ऊपर छोटा नंबर हो छोटा। बड़ा नंबर किसके ऊपर भाई, इसके ऊपर आरोही लगाना ना, असेंडिंग। सबसे छोटा कौन आया, ये आया, चार ही था इसके ऊपर, 1/6। इससे बड़ा भाई 15, यहाँ पर 5/8, उससे बड़ा 3/4, और सबसे बड़ा 11/12। लग गया असेंडिंग ऑर्डर, ना एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करवानी, ना दो बार, ना तीन बार, ना चार बार, बात खत्म। और एग्जांपल लेते हैं, 11/12, 3/10, 5/6, 2/3, 13/15। और अब कह दें इनको अवरोही क्रम में लगाओ, अवरोही में, अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब पहले बड़ा लिखो, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे। तुम लिख देंगे क्या बात है, 12, 10, 6, 3, 15 से भाग होने वाली संख्या, तो भाई साथियों मुझे ध्यान में आ रही 60, 60 हो जाएगी। भाग होने वाली होनी चाहिए, सबसे छोटी कोई जरूरी नहीं, कहीं सबसे छोटे के चक्कर में पड़ जाओ, एलसीएम के चक्कर में पड़ जाओ। गुणा 60, गुणा 60, गुणा 60, गुणा 60, गुणा 60, सबकी गुणा किसे करा दो, 60 से करवा दो। 60 से गुणा कराओगे तो 12 5 60, 11 5 55, 10 6 60, 6 3 18, ये 10, 10 5 50, ये 20, 20 2 40, ये 15 6 60, 13 6 52। जिसके ऊपर बड़ा नंबर हो बड़ा है, जिसके ऊपर छोटा नंबर हो छोटा है। तो डिसेंडिंग में लगाना है तो देख लो सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा है भाई साथियों 55, 55 है, 11/12। इससे छोटा, इससे छोटा भाई 52, 13/15। इससे छोटा भाई साथियों 50, 5/6। इससे छोटा भाई 40, 2/3, और इससे छोटा भाई 3/10। तो लग गया भाई आपका अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर लग गया। कर दोगे ना काम, बिल्कुल फटाफट कर दोगे, मैं पूरी पूरी आस करता हूँ कि आप चक दोगे फट्टे, ठीक है ना। बिल्कुल चकने हैं भाई, अब की बार सिलेक्शन लेना ही लेना है किसी भी हाल में, ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। अब और क्वेश्चन कैसे पूछता है सर सिंपल फ्रैक्शन से, और जैसे कि यहीं से मैं प्रश्न बनाता हूँ, चार ऑप्शन दे देगा आपको, चार ऑप्शन दे दिया भाई, एक ऑप्शन दे दिया 13/15, 5/6, 11/12 और 3/10 और भाई 2/3, एक ऑप्शन ये दे दिया, एक ऑप्शन दे दिया भाई साथियों, जो अपना सही उत्तर है 11/12 से छोटा, 13/15 से छोटा, 5/6 से छोटा, 2/3 से छोटा, 3/10। ठीक है, एक ऑप्शन दे दिया भाई साथियों हमें 2/3 से छोटा, 5/6 से छोटा, 13/15, 11/12, ठीक है, कौन सा बच गया अब, 3/10। एक ऑप्शन और दे देगा ऐसे ही, नहीं संख्याओं का, ठीक है। तो अब हमसे कह देगा बताइए इनमें से सही क्रम है, इनमें से सही क्रम है, बताओ इनमें सही क्रम कौन सा है। तो क्रम तो एक ही सही है, और हमें पता है हमने ये क्रम सही है और ये क्रम यहाँ पर भी ऑप्शन में, लेकिन वहाँ थोड़ी पता है कि ये तो हमने निकाल के देख रखा है। तो आप करोगे क्या, चारों ऑप्शनों में सेम संख्याएं होंगी, बस आगे पीछे लिखी होंगी, आपने बस ऑर्डर पहचानना है। तो क्या करो,
एक ऑप्शन उठा लो, मान लीजिए एक ऑप्शन ये उठा लिया एज इट इज आपने, उठा लिया वो सारी की सारी संख्या लिख लो जो ऑप्शन में लिख रखी है, चारों ऑप्शनों में लिख ली, अपना कॉन्सेप्ट लगाओ, आपको पता लग जाएगा कौन बड़ा कौन छोटा। यानी कि सीधी सी बात है, यदि ये डिसेंडिंग ऑर्डर लिख रखा है तो सबसे आगे कौन होना चाहिए, 11/12 होना चाहिए। तो देखो 11/12 किसमें है, इसमें है, बात खत्म भाई। हो सकता है इस ऑप्शन में आगे 11/12 ही होता, ठीक है ना। अब अगला ऑप्शन चेक कर लो, आगे कौन होना चाहिए, आगे 52 होना चाहिए, यानी कि फिर 3/15 होना चाहिए, 3/15 हो सकता है, यहाँ अलग संख्या मिलेगी आपको। सबसे छोटा पहचान लो, सबसे लास्ट में कौन होना चाहिए, 3/10, तो 3/10, ठीक है। पहला पहचान लो, लास्ट वाला पहचान लो, उससे नेक्स्ट वाला देख लो, वही आपका उत्तर है, क्योंकि सारी बातों को तो सेटिस्फाई एक ही ऑप्शन करेगा ना। यानी कि चारों ऑप्शनों में सेम संख्याएं होंगी, उनको उठा के लिख लो, अपना कॉन्सेप्ट लागू कर दो, देख लो कौन बड़ा कौन छोटा, और फिर ये चेक कर लो कि चारों में से कौन सा ऑप्शन इस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, वही आपका उत्तर है, आपसे कहेगा सब इनमें से सही क्रम है, ठीक है ना। कर दोगे काम, मैं आशा करता हूँ कर दोगे। अब मैं बताता हूँ आपको कि मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों सिखाया, ठीक है ना, कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों सीखा। वो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों सीखा भाई, हमें कह देगा, एक क्वेश्चन देगा, इनमें से सबसे छोटी संख्या है, इनमें से सबसे छोटी संख्या है, क्वेश्चन हो गया, इनमें से सबसे छोटी संख्या है, ए ऑप्शन दे दिया आपको 17/31, बी ऑप्शन दे दिया आपको 3/19, और सी ऑप्शन दे दिया आपको 1/51, और डी ऑप्शन दे दिया आपको, डी ऑप्शन भी उटपटांग दे दिया आपको, जैसे कि 3/17, ठीक है। अब बोला कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, बताओ भाई इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। और सबसे छोटी, अब इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने मैंने बताया था क्या, कि नीचे वाली संख्याओं से भाग होने वाली संख्या ले लो और सबकी गुणा करा दो। अब एक बात बताओ, 31, 19, 51, 17, इनसे भाग होने वाली संख्या ढूंढना इतना आसान है, इनसे भाग होने वाली संख्या ढूंढने यदि हम बैठेंगे तो शाम हो जाएगी वहीं पर, राइट है ना, वहीं पर टाइम हो जाएगा, तो क्या फायदा। तो जब भी नीचे ऊट पटांग संख्याएं दिखाई दें, 31, 19, 51, 17, इनसे भाग होने वाली संख्या ढूंढना इतना इजी नहीं रहेगा, तो अपना ओखोटा सिक्का अब काम आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, बिना सोचे समझे क्रॉस मल्टीप्लाई पे आ जाओ। सबसे छोटी बतानी है, इन दोनों को कंपेयर करो, सीधी सी बात है, एक तो 19 × 17 होगा, 31 × 3 होगा, तो ये हारेगा ये जीतेगा सबसे छोटे के केस में, ये तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, ये तो 93 होगा, और ये 17 × 19 होगा, तो ये बड़ा बचेगा ये छोटा बचेगा। 3/19 का कंपटीशन किसके साथ है, 1/51 के साथ, इसकी गुणा होगी, ये 19 × 1 = 19 होगा, सीधी सी बात है, ये अब ये हार जाएगा और इस मैच में ये जीत जाएगा छोटे के केस में, क्योंकि 19 × 1 = 19 और 1 × 3 = 3, 3 × 5 = 15, यहाँ 153 और यहाँ 19, तो छोटे के केस में कौन जीत गया, 1/51। अब 1/51 का फाइनल किसके साथ, 7/3/17 के साथ, ये 17 × 17, ये 3 × 3, 3 × 5 = 15, तो इस फाइनल में भी कौन जीत गया, 1/51, तो ये आपका उत्तर है। यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये ऐसे संख्याएं देगा ना, इसी तरह से क्वेश्चन देगा, या तो कहेगा सबसे बड़ा बताओ, या कहेगा सबसे छोटा बताओ, नीचे संख्याएं आपको ऐसी दिखाई दें जिनसे भाग होने वाली संख्या ढूंढना इतना ईजी नहीं है, फटाफट चारों ऑप्शनों पे क्रॉस मल्टीप्लाई का जो अपना कॉन्सेप्ट है उसको लागू कर दो, और देख लो सबसे छोटा पूछा तो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा पूछा तो सबसे बड़ा कौन सा है, कर दोगे ना काम को। तो ये था भाई साथियों आपका सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन से इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 4, 5 या 3 साधारण भिन्न लिख के दे दिए जाएंगे, कहेगा सबसे छोटा बताओ, कहेगा सबसे बड़ा बताओ, और आरोही क्रम में लगाओ, अवरोही क्रम में लगाओ, ठीक है ना। अब ये था अपना साधारण भिन्न, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपना कौन सा, दशमलव भिन्न, सेकंड कौन सा अपना, दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई, डेसिमल
फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। आओ साथियों डेसिमल फ्रैक्शन को पढ़ते हैं। अभी साथियों दशमलव भिन्न को पढ़ते हैं। देखो दशमलव भिन्न कौन से, जो भिन्न दशमलव के रूप में लिखे हुए हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि भाई 0.25, ठीक है ना, 0.25। अब 0.25 को खोलेंगे तो क्या बन गया, 25/100, 25 एकम 25, 25 सौ का 100, 1/4। यानी कि जो भिन्न किसके रूप में लिखे होते हैं, दशमलव के भिन्न में, दशमलव के रूप में लिखे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, दशमलव भिन्न। फॉर एग्जांपल 0.542, अब इसको हम खोलेंगे तो 542/1000, और जहाँ कटेंगे तो उसको काट लेंगे, जैसे कि दो पे कट रहे हैं, 2 × 4 = 2 × 7 = 14, 2 × 1 = 2, और ये नीचे हो जाएगा 500। तो ये एक भिन्न है, लेकिन किसके रूप में लिखा हुआ था, दशमलव के रूप में लिखा हुआ था। तो जो भिन्न दशमलव के रूप में लिखे होते हैं उन भिन्नों को हम क्या बोलते हैं, दशमलव भिन्न, उन्हीं को क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। अब साथियों हमें दशमलव भिन्न को पढ़ना है। अच्छा एक बात बताओ आप, जैसे कि भाई हम दशमलव भिन्न चैप्टर नहीं पढ़ रहे होते, या फ्रैक्शन या भिन्न चैप्टर नहीं पढ़ रहे होते, और मैं आपके सामने एकदम से आके लिख देता भाई 0.542, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई ये क्या लिख रखा है मैंने आपके सामने, क्या आप दशमलव भिन्न बोलते? नहीं, दशमलव भिन्न नहीं बोलते, आप कहते कि सर ये दशमलव संख्या है। क्या भाई, दशमलव संख्या है, सर ये डेसिमल नंबर है। अब भिन्न पढ़ रहे हैं तो भिन्न बोल देंगे, हाँ भाई नीचे एक लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, जहाँ कट रहे हैं काट देंगे, और पी बटे क्या की फॉर्म में बदल जाएगा, तो दशमलव भिन्न है। लेकिन हम एकदम से देखें तो सबसे पहले दशमलव भिन्न से पहले यह दशमलव संख्या है, राइट है ना। तो यानी कि सीधी सीधी बात यह है साथियों, यदि हमें दशमलव भिन्न को पढ़ना है तो हमें दशमलव संख्याओं को पढ़ना होगा। दशमलव संख्याएं ही, डेसिमल नंबर ही आगे चल के दशमलव भिन्न बनेंगी। तो आओ डिस्कशन करते हैं दशमलव संख्याओं के ऊपर, जो स्पेशल टॉपिक लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, ग्रुप डी के सिलेबस में खासकर, कि दशमलव संख्याओं से आपके क्वेश्चन होंगे। तो आओ दशमलव संख्याओं को पढ़ते हैं साथियों। दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की कौन सी, एक होती है भाई टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, और दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो सर ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे कि इंग्लिश का शब्द है टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, पे एक चीज़ का समापन होना, मतलब कि मान लीजिए ये मार्कर है, ये यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर आके ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट मतलब कोई चीज़ यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पर ख़त्म हो गई, ये इनिशियल पॉइंट और ये टर्मिनेटिंग पॉइंट, यानी कि जिसका हमें पता हो शुरू कहाँ से हुई और ख़त्म कहाँ पर हुई, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और जिसका हमें पता, ये तो पता हो शुरू कहाँ से हुई लेकिन गई कहाँ तक ये ना पता हो, तो कौन सी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जाम्पल सूरज की किरणें, हमें पता तो है सूरज से निकली लेकिन गई कहाँ तक नहीं पता, तो उनको क्या बोल देंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग, राइट है ना। जैसे कि आसमान पता नहीं कहाँ तक गया है, तो क्या है भाई, नॉन टर्मिनेटिंग, क्लियर है। यानी कि जिसका हमें शुरुआत भी पता हो और एंड भी पता हो, उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग, जिसकी शुरुआत तो पता हो एंड नहीं पता हो कहाँ तक गया, तो कौन सी होंगी, नॉन टर्मिनेटिंग। सर एग्जाम्पल कौन से हैं, एग्जाम्पल देखो बच्चों, 0.1289, पॉइंट के बाद कितने डिजिट आए, 4 डिजिट आए, 1289, ठीक है, यही ख़त्म हो गया, शेष 0 आ गया, बात ख़त्म। तो हमें पता है शुरुआत कहाँ से हुई, 1 से, ख़त्म कहाँ पर हो गया, 9 पर। 0.25431897, ये भी टर्मिनेटिंग है, शुरुआत कहाँ से हुई, 2 पर, समाप्त कहाँ पर हो गई, 7 पर, ये टर्मिनेटिंग है, राइट है ना। शुरुआत का ही पता है, रुकी कहाँ पर, वहाँ पर भी पता है, यानी कि हम बता सकें दशमलव के बाद कितने अक्षर आए हैं, कितने डिजिट आए हैं,
जैसे कि यहाँ बता सकते हैं चार आए हैं, यहाँ बता सकते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, यहाँ 10 आए हैं। लेकिन कई बार ऐसे भी तो बनती है ना कि हम भाग देने बैठते हैं, 0.5 2 1 4 3 2 1, और ये मसला चलता ही रहता है, ये मामला रुकता ही नहीं है ना, भाग देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे। तो इसका ये तो पता है शुरुआत कहाँ से हुई, 5 से, गई कहाँ तक क्या पता है, नहीं पता। तो कौन सी हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग। भाई शुरुआत तो पता है, एंड का नहीं पता, और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी होगी, शुरुआत भी पता एंड भी पता। तो दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, राइट है ना। अब मुझे आप बताओ क्या जो टर्मिनेटिंग है भिन्न होंगी, हाँ बिल्कुल भिन्न होंगी, फ्रैक्शन होंगी। भाई साथियों सर कैसे होंगी फ्रैक्शन, बिल्कुल होंगी ना, पॉइंट का नाम का एक, जितने अक्षर हैं उतने ही जीरो, कटेगा तो काट लेंगे, नहीं कटेंगे तो छोड़ देंगे। तो बदल गया ना, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला बच्चों हर, ये पॉइंट का नाम का एक, जितने अक्षर हैं उतने ही जीरो, ऊपर वाला अंश, कट रहा है तो काट लेना, नहीं कट रहा तो छोड़ देंगे, नीचे वाला हर। तो जो सारी की सारी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होती है ना, ये फ्रैक्शन होती है, सारी की सारी फ्रैक्शन होंगी। लेकिन अब आता हूँ साइड, क्या जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो भी फ्रैक्शन होंगी, क्या नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होंगी। एक टाइम के लिए हमें लगेगा सर फ्रैक्शन नहीं होंगी, क्यों नहीं होंगी, क्योंकि पॉइंट का नाम का एक तो लिख लेंगे, जीरो कितनी लगानी हो तो नहीं पता, बात भी ठीक है कि ऊपर तो ठीक है संख्या है, लेकिन नीचे जीरो कितनी लगानी है नहीं पता। तो हमें अब सीधा सीधा लगा कि सर इसको हम पी बटे क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसा लग रहा है ना बच्चों कि भाई पॉइंट का नाम का एक लिख लिया, गए कहाँ तक तो पता ही नहीं, सीधी सी बात हो गई, तो इसको हम पी बटे क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, तो हम कहेंगे सर ये भिन्न नहीं होगी। लेकिन नहीं, अभी डिसीजन पे नहीं आना, अभी इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेना बिना सारी बात को जाने। जो नॉन टर्मिनेटिंग होती है ना, ये भी दो टाइप की होती है, कौन सी, अभी ये डिसीजन मत लेना भाई, अभी पेंडिंग डिसीजन, डिसीजन अभी पेंडिंग, जल्दबाजी में गलत डिसीजन हो जाते हैं भाई, जल्दबाजी नहीं करनी। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं ना साथियों, ये दो प्रकार की होती हैं, कौन सी सर, रेकुरिंग, रेकुरिंग और ई रेकुरिंग, रेकुरिंग ई रेकुरिंग, आवर्त, ध्यान से सुनना ये बात को, आवर्त और अनावर्त, एक अच्छे वाला टॉपिक टच करने वाला हूँ अभी, आवर्त और अनावर्त, या फिर मैं सीधी सीधी बात बोलूँ, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग। सर ये रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग आप क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रही कहानी, अभी आएगी समझ में। नॉन टर्मिनेटिंग होती है जो पॉइंट के बाद रुकते ही नहीं है, लेकिन ये दो टाइप के होते हैं साथियों। रिपीटिंग, रिपीटिंग मतलब पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाए, 0.3 3 3 3 3, रुकना तो है नहीं क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग का पार्ट है, रुकेंगे तो नहीं, लेकिन बारी बारी से 3 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 3, 0.25 25 25 25 दो पांच दो पांच दो पांच दो पांच, समझ पा रहे हो ना कहानी को, 0.341 341 341 341, मतलब कि एक डिजिट दो डिजिट तीन डिजिट चाहे 20 डिजिट की संख्या बारी बारी से वही आ रही है, तो कौन सी संख्याएं हैं, रेकुरिंग रिपीटिंग आवर्त, मतलब कि एक ही संख्या वो कितने भी डिजिट की हो सकती है, बारी बारी से वही आ रही है, बारी बारी से उसी की फ्रीक्वेंसी हो रही है। और एक कौन सी थी जो हमें पता ही ना लगे क्या तो हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हर बार कुछ नई चीज हो रही है और ये चलता ही जा रहा है, तो ये कौन सी होंगी, नॉन रिपीटिंग इरेकरिंग अनावर्त, मतलब इनका पता ही नहीं चलेगा ये किस पैटर्न में घूम रही हैं, लेकिन इनका हमें एक पैटर्न दिख जाएगा कि
कि बारी बारी से वही नंबर आ रहा है, वही नंबर आ रहा है, वही नंबर आ रहा है, वही नंबर आ रहा है। तो ये भी दो टाइप की हो गई, रेकरिंग इरेकरिंग, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग। साथियों जो ये नॉन रिपीटिंग होती है ना, ये किसी भी हाल में भिन्न नहीं होती, ये फ्रैक्शन नहीं होती, ये हमारा पक्का डिसीजन है, राइट है ना। और एक आप सुनते हो प्रीमेय संख्याएं, एक आप सुनते हो अप्रीमेय संख्याएं। अप्रीमेय संख्याएं, अप्रीमेय संख्याएं सुनते हो ना, अप्रीमेय संख्याएं जिनको पी बटे क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो यही होती है। अप्रीमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो ना तो पॉइंट के बाद रुकती और ना किसी खास पैटर्न में रिपीट होती, हर बार कुछ नया होता है उनके अंदर। तो ऐसी संख्याओं को हम नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होती हैं, और इन संख्याओं को हम अप्रीमेय संख्याएं जिसको इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं, जो ना तो पॉइंट के बाद रुकेंगी और ना कभी भी किसी भी पैटर्न में कितने भी डिजिट की संख्या में रिपीट नहीं होंगी। तो ये भिन्न भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो प्रीमेय ही नहीं होगी वो भिन्न तो हो ही नहीं सकती, राइट है ना, क्योंकि भिन्न तो प्रीमेय से छोटा भाग है। अब बात उठती है, क्या सर वहाँ तो आपने फाइनल कर दिया कि भिन्न नहीं होंगी, किसी भी हाल में भिन्न नहीं होंगी, उनको पी बटे क्या के रूप में नहीं बदला जा सकता, तो इसका मतलब यहाँ सस्पेंस छोड़ दिया आपने, इसका मतलब क्या इनको हम पी बटे क्या के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो भाई, यही तो कहानी का ट्विस्ट है, यही तो एग्जामिनर क्वेश्चन करता है, यहीं से तो ये भिन्न होता है। साथियों इसको, इन संख्याओं को हम पी बटे क्याओ की फॉर्म में लिख सकते हैं, सिर्फ वही है जिसको हम पी बटे क्याओ की फॉर्म में नहीं लिख सकते। आप कहोगे सर कैसे, मतलब जैसे कि मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ। जो 0.333333333 लिखा हुआ है ना, ये 1/3 का रिजल्ट है। आप 1 को 3 से भाग दो, क्या आएगा भागफल? 0.333333, क्या 1/3 भिन्न नहीं है? है, अंधे गंधे को दिख रहा है भाई, ठीक है ना, आंख मिच के दिख रहा है। आपको कहोगे सर आंख मिच के कैसे दिख रहा है, एक आंख से देख लो, एक ही मिच ही है, राइट है ना, 1/3 भिन्न है। और कौन सी संख्या है? रेकरिंग आवर्त, लेकिन एंड नहीं है, गई बहुत दूर तक, लेकिन 1/3 का रिजल्ट है और 1/3 भिन्न है। अब यहीं से अपना क्वेश्चन स्टार्ट होता है, एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन करता है कि हम कह रहे हैं कि ये भिन्न होंगी, यानी कि ये सारी संख्याएं भिन्न हैं, तो एग्जामिनर कहेगा बदल के दिखाओ इनका अंश कौन सा है और इनका हर कौन सा है। जैसे इसका तो लिख दिया, इसका भी लिखना होगा, इसका भी लिखना होगा, एग्जामिनर किसी का भी पूछ लेगा हमसे, राइट है ना। और यहीं से अपनी कहानी अब स्टार्ट होती है, यहीं से अपने एग्जाम का क्वेश्चन स्टार्ट होता है साथियों, यानी कि इन संख्याओं को हम क्या कह रहे हैं, भिन्न है, तो हमें इनको भिन्न में बदल के दिखाना है, ठीक है। आओ एक एक करके अपना काम स्टार्ट करते हैं। आप कहोगे सर 1/3 कहाँ से आया, भाई लिख तो रहा है भाई 1 को 3 से भाग दोगे, आया कैसे और इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो बच्चों, देखो साथियों, 0.333 एग्जामिनर ये नहीं लिख के देगा 0.333333333 और बताओ भाई किसके बराबर, नहीं, इसको कैसे लिखेगा 0.3 बार। पॉइंट के बाद किसी भी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो संख्या बारी बारी से रिपीट हो रही है, इतना स्पेस नहीं पेपर में, वो इतना कहानी लिख के देगा। 0.25 इसको कैसे लिखेगा 0.25 बार। 0.341341341341 0.341 बार, यानी कि जो संख्या बारी बारी से आ रही है उसको लिखने का ये तरीका होता है। और पेपर में क्वेश्चन कुछ ऐसा ही होगा, जैसे कि इस पर्सन की बात करूं, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देगा, बताओ भाई किसके बराबर है, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देगा, बताओ भाई किसके बराबर है, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देगा, बताओ भाई किसके बराबर है। तो इनको निकालना हमें सीखना है, राइट है ना। अब जैसे ये तो पता है किसके बराबर, 1/3 के कैसे आया, तो पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, फिर उस ट्रिक को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि वो आई कहाँ से। भाई साथियों, हमें सोल्व करना था क्या, 0.3 बार का मतलब है 3 बारी बारी से आ रहा है, तो इस किसके बराबर है, तो क्या करना, पॉइंट के बाद की जो संख्या उसको लिख लेना है, पॉइंट के बाद की संख्या कितनी है,
तीन है, लिख लिया। फिर देखो कितनी संख्याओं पर बार है, कितनी के ऊपर बार है, एक के ऊपर, तो उसके नीचे उतने ही नौ लिख देने। ये नौ कहाँ से आए मैं बताऊंगा आपको, उसके नीचे क्या कर देना है, उतने ही नौ लिख देने हैं। और सोल्व करो, तीन एकम तीन, तीन तिया नौ, कितना भाई, एक बटा तीन। एक बटा तीन का रिजल्ट है ये, 0.25 बार। सर ये किसके बराबर है, पॉइंट के बाद की पूरी संख्या लिखो, कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, एक के ऊपर बार है, नहीं दो के ऊपर बार है, तो कितने नौ लिख दो, दोनों लिख दो, उत्तर है ये आपका। ये आपका अंश और ये हर, हो गया ना भिन्न। और आप खुद कैलकुलेटर में करके देख सकते हो, आप 25 को 99 से भाग दो, आपका जो रिजल्ट आएगा वो 0.25252525252525 आएगा, 0.341 बार। पॉइंट के बाद की पूरी संख्या लिखो, ये उत्तर बना रहा हूँ मैं सीधे आपके, और कितने ऊपर बार है, तीन के ऊपर, तो इनके नीचे तीन नौ कर दो, कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो वहीं छोड़ दो, वही आपका उत्तर है। अब आपके मन में थोड़ा थोड़ा ये आ रहा होगा, सर ये नौ कहाँ से आए, आप ये कहाँ से लेकर आए, तो देखो बच्चों इस चीज़ का जवाब सुनो, ये ऊपर ही कर देता हूँ सारा, ठीक है, ये एक बार देखो नोट डाउन कर लो कैसे करना है। अरे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा वहाँ से, और भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपके फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमें सोल्व करना था क्या भाई, 0.3 बार, राइट है ना, 0.3 बार का मतलब 0.3333333 एंड सो ऑन, बहुत दूर तक जाएगा। ये मैंने मान लिया x के बराबर है, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करके देनी है, x की, x की वैल्यू फाइंड करके देनी है। तो अभी साथियों क्या करता हूँ मैं, मैंने दोनों तरफ 10 से गुणा करा दी, दोनों तरफ 10 से गुणा करवाऊँगा तो इधर कितना आ गया 10x, और उधर पॉइंट एक आगे चले जाएगा तो कितना हो गया 3.3333। ये क्वेश्चन नंबर एक, ये क्वेश्चन नंबर दो, और मैं क्या कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर दो में से मैंने घटा दिया इक्वेशन नंबर एक को, यानी कि इसमें से इसको घटा दिया, तो इधर तो 10x में से x गए 9x, और उधर 3.3333 में से 0.333 गया, तो क्या बचा ओनली 3, क्योंकि लास्ट वाले तो कैंसिल आउट है एक दूसरे से, तो x का मान 3/9 और 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3, ये 9, ये वाला 9 था। सर दूसरे वाला और देखते हैं, 0.25 बार, 0.25 बार का मतलब भाई साथियों 0.25 एंड सो ऑन, ये किसके बराबर मान लिया मैंने, x के बराबर मान लिया। तो हमें किसकी वैल्यू निकाल के देनी है, सर x की वैल्यू निकाल के देनी है, आओ निकालते हैं x की वैल्यू। अब दो डिजिट है ना, तो दोनों तरफ 100 से गुणा करवा दो, दोनों तरफ 100 से गुणा करवाओगे तो ये कितना हो गया 100x, और इसके पॉइंट आगे चला गया कितने अक्षर, दो अक्षर आगे, दो अक्षर आगे गया तो 25.25252525 एंड सो। अब क्या करना है, सेकंड में से फर्स्ट को घटा दो, घटाओगे तो 100x में से x गया 99x, और 25.25255 में से 0.25255 गया, लास्ट वाले से लास्ट वाला कैंसिल, 25 में से 0 गई 25, x का मान 25/99, ये 9 वहाँ से आए थे भाई, ओके। लेकिन आपको किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ आपसे आपको क्वेश्चन से मतलब और उत्तर से मतलब, ये मैंने वैसे बता दिया आपको ये बना कैसे, ठीक है। आओ अब बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। हमें कह दे बताओ भाई 0.42 बार किसके बराबर है, तो करोगे क्या भाई साथियों, पॉइंट के बाद की संख्या लिखोगे 42, कितने संख्याओं पर बार है, दो के ऊपर, तो दो नौ कर दो, कट रहे हैं तो काट दो, कट रहे हैं क्या, कट रहे हैं भाई, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9, उत्तर 14/33, ठीक है। 0.513 बार बताइए किसके बराबर, पॉइंट के बाद की संख्या लिखो 513, कितने संख्या ऊपर बार है, तीन के ऊपर, तो कितने नौ कर दो, तीन नौ कर दो, कट रहे हैं तो काट दो, नहीं कट रहे हैं तो छोड़ दो, आपका उत्तर यही मिलेगा, ओके। अब एक खास बात और आप सुनो, इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन कुछ ऐसे दे दे, 0.2
3 बार। पूरी संख्या के ऊपर बार नहीं है, 23 के 23 के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ किसके ऊपर बार है? 3 के ऊपर, 2 के ऊपर नहीं है। यानी कि इसका मतलब है, मैं एक साइड में लिखूं तो 0.2 रिपीटेशन 3 का है, 2 एक ही बार आया है, और 2 एक ही बार आया है तो 2 के ऊपर आपको बार नहीं मिलेगा, बार उसी के ऊपर मिलेगा जो बारी बारी से आ रहा है। अब इसको कैसे हैंडल करोगे, इसको देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है। वही काम अपना, पॉइंट के बाद की पूरी संख्या लिखो, पूरी संख्या 23, इसमें से माइनस करो वो संख्या जिसके ऊपर बार नहीं है, किसके ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर बार नहीं है, तो 2 को माइनस करोगे, कर दिया। कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ था? 1 के ऊपर, उतने ही 9 करने हैं नीचे। कितने के ऊपर बार नहीं है? 1 के ऊपर, जिनके ऊपर बार है उनके नाम के 9 लिखोगे पहले, 2 हैं तो 2, 3 है तो 3, 1 है तो 1, फिर उनके पीछे उतनी 0 लिखोगे जितनी के ऊपर बार नहीं है, बार किसके ऊपर नहीं है? 1 के ऊपर, तो 1 0। और हम सोल्व करेंगे, 23 माइनस में 2 कितना? 21, बटे में 90, 3 सत्ता 21, 3 तिया 9 कितना भाई? 7/30। और आप चेक कर सकते हो, जब आप 7 को 30 से भाग दोगे 0.2 आएगा, 2 एक ही बार आएगा, फिर 3 3 3 3 3 3 3 आना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? ओके है सर, इसको भी एक्सप्लेन करना थोड़ा, 0 क्यों आया, 9 क्यों आया। देखो हमें सोल्व करना था भाई 0.23 बार, इसका मतलब है 0.2 3 3 3 3 3 एंड सो ऑन। ये मान लिया भाई साथियों हमने x के बराबर है, किसके बराबर है? x के। तो एक बार मैं दोनों तरफ 10 से गुणा करवा देता हूँ, 10 से गुणा कराऊंगा तो कितना, 10x पॉइंट आगे चला जाएगा, 2.3 3 3 3 3 आगे, और एक बार इसको 100 से गुणा करवा देता हूँ, 100 से गुणा कराऊंगा तो कितना हो जाएगा, 100x, और 2 पॉइंट आगे चले जाएंगे फिर हो जाएगा 23.3 3 3 3 3। और मैं क्या करूँगा, अब इसमें से ये घटा दूंगा, तो 100x में से 10x गए 90x, और 23.3 3 3 3 में से 2.3 3 गए 23 माइनस में 2, क्योंकि पॉइंट वाले तो पीछे वाले तो कट ही जाएंगे, तो x बराबर है 23 माइनस 2 बटे 90। ओ मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये एक्सप्लेनेशन आ गई, लेकिन इतना ज्ञान हमारे पास साइड में होना चाहिए, अटैक यहाँ से करना है। ओके, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन आ गया 0.52 बार, 0.52 बार, 2 के ऊपर बार है, 5 के ऊपर नहीं है, पॉइंट के बाद की पूरी संख्या लिखो 52, किसके ऊपर बार नहीं है? 5 के ऊपर बार नहीं है, माइनस कितनी संख्या के ऊपर बार है? 2 के ऊपर, 1 के ऊपर, 1 9 कितने के ऊपर बार नहीं है? 1 के ऊपर, उसके नाम की 0। तो ये हो गया भाई आपका 47/90, नहीं कट रहे छोड़ दो, यही आपका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, 0.321 बार, 2 1 के ऊपर बार है, 3 के ऊपर नहीं है, कैसे करना है? पॉइंट के बाद की पूरी संख्या लिखो, 321 लिख दिया, किसके ऊपर बार नहीं है? 3 के ऊपर नहीं है, माइनस कर दो। कितनी संख्या के ऊपर बार है? 2 के ऊपर, 2 9 कितने के ऊपर नहीं है? 1 के ऊपर, 0। तो ये आपका 318 और बटे 990, 3 पे घट रहे हैं भाई, 3 1 3 3 6 18, 3 3 9 3 3 9 0। क्या और भी कट रहे हैं क्या? हाँ, 2 पे कट रहे हैं, 2 5 10, 2 3 6, 2 1 2 2 6 12, 2 5 10, तो ये हो गया भाई 53/165। ठीक है, 5 पे कट रहे हैं क्या? 5 पे कट रहे हैं मेरे ख्याल से तो, हाँ नहीं 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 कट रहे, तो 53/165। क्लियर है? ओके है, तो ये आपका उत्तर बन जाएगा। और आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन ध्यान से करना भाई, ये क्वेश्चन ध्यान से करना, ये क्वेश्चन सीधे रखे मिलेंगे, 0.5214 बार। ठीक है, तो करना क्या है, पूरी लिखो, 5214 किसके ऊपर बार नहीं है? 521 के ऊपर। कितनी संख्या ऊपर बार है? 1 के ऊपर। कितने के ऊपर नहीं है? 3 के ऊपर। और आगे लेते हैं, 0.51432 इसके ऊपर बार, पूरी संख्या लिखो, 51
इतना बड़ा नंबर तो नहीं देगा, मैं वैसे ले रहा हूँ, ठीक है। माइनस में किसके ऊपर बार नहीं है, पाँच के ऊपर नहीं है, कितनी संख्या ऊपर बार है, चार के ऊपर, चार नौ, कितने के ऊपर बार नहीं है, एक के ऊपर, जीरो। कट रहे हैं तो काट दोगे, नहीं कट रहे हैं तो छोड़ दोगे। अब साथियों एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आपको ये दे देता, एक पॉइंट दो तीन बार, एक पॉइंट दो तीन बार, ये सोल्व करो। पहले तो मैंने सारे अब तक एग्जांपल लिए, सब कहाँ से शुरू किए, जीरो पॉइंट से। क्या दे दिया, एक पॉइंट दो तीन बार। तो एक चीज़ देखो, यदि आपके पास लिखा होता एक पॉइंट दो तीन, क्या इसको लिख सकते हो आप एक प्लस में जीरो पॉइंट दो तीन, क्या लिख सकते हो भाई, बिल्कुल लिख सकते हो, है ना। तो वही काम यहाँ पर करना है, इस ये एक एक से शुरू किया है ना, इसको एक तरफ निकाल दो, एक प्लस में जीरो पॉइंट दो तीन बार, और इसको तो हम खूब करना सोल जानते हैं, ये चलता रहेगा, बस आखिरी में आगे एक जोड़ लेंगे उसमें। ये भाई तेईस, तेईस में से कितना गया जिसके ऊपर बार नहीं है, दो, कितने के ऊपर बार है, एक के ऊपर, कितने के ऊपर नहीं है, एक के ऊपर, उतने नाम की जीरो। एक प्लस तेईस में से दो गया इक्कीस, बटे में नब्बे, तीन सत्ता इक्कीस, ये तीन, ये एक आखिरी माह के जुड़ जाएगा बस, और कुछ नहीं, तीस एकम तीस और सात सैंतीस बटे तीस हो जाएगा, और आप सैंतीस को तीस से भाग दो, आपका आएगा एक पॉइंट दो तीन 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 तीन। और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं एक एग्जाम्पल और, दो पॉइंट चार तीन तीन एक बार, बार किसके ऊपर है, तीन एक के ऊपर, तो ये मतलब हुआ दो प्लस में जीरो पॉइंट चार तीन एक बार, दो बस एंड पे आके जोड़ना हमें, ये हो गया भाई चार सौ इकतीस माइनस के चार, कितने के ऊपर बार हैं, दो के ऊपर, कितने के ऊपर नहीं है, एक के ऊपर, और बस इसमें क्या कर देना है, दो जोड़ देना है। यानी कि जीरो से शुरू कर रखा है फिर तो समस्या है ही नहीं, लेकिन किसी से भी शुरू कर रखा हो आखिरी में आके जुड़ जाएगा उस रिजल्ट में, ओके, है ना। जैसे कि आपको दिया होता जीरो पॉइंट चार एक बार, मान लीजिए ये दे रखा है, तो सीधी सी बात है ये तो कितना होता है इकतालीस बटे निन्यानवे, लेकिन आपको दे रखा है भाई दो पॉइंट चार एक बार, तो इसका मतलब सीधा है दो प्लस में जीरो पॉइंट चार एक बार, यानी कि दो प्लस में इकतालीस बटे निन्यानवे, यानी कि ये दो भी फिर जोड़ना है आपने, जीरो से शुरुआत करके फिर तो कुछ जोड़ना ही नहीं, लेकिन इधर जीरो के इधर जो भी देर खा ना वो आखिरी में आके आपने ऐड करना है। जैसे कि तीन तीन पॉइंट पाँच दो बार, तो सीधा मतलब है तीन प्लस में पाँच दो बार, जीरो पॉइंट पाँच दो बार, तो भाई तीन प्लस में बावन बटे निन्यानवे, ये आपका पूरा उत्तर होगा, ठीक है। कट रहे हैं तो काट लोगे, नहीं कट रहे हैं तो सीधा निन्यानवे तिया और बावन जोड़ के बटे में कितना आ जाएगा, निन्यानवे आ जाएगा, ये तो आपकी सिंपल कैलकुलेशन है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से आप टैकल कर लोगे, ठीक है ना। अब इसका और क्वेश्चन कैसे आता है, सॉरी बार वाले क्वेश्चन और कैसे आते हैं, आपसे जोड़ पूछ लेता है, जैसे कि आपको कह देगा जीरो पॉइंट तीन दो बार प्लस में जीरो पॉइंट चार एक बार, बताओ किसके बराबर है। अब इसके बटे में निन्यानवे करके जोड़ने मत बैठ जाना, ये गलती मत करना, ये क्वेश्चन देखो सोल्व कैसे करना है, क्योंकि वो कैलकुलेशन बहुत लंबी चली जाएगी। 0.32 बार, 0.32 बार का मतलब है भाई कुछ ऐसे लिख लेना आपने, 0.32 32 32 32 32 बहुत आगे, दो चार स्टेप लिख लेना इसके, ठीक है। प्लस में करना है 0.41 41 41 41 41 चलता जाएगा। अब जोड़ दो, दो और एक तीन, सात तीन सात तीन सात तीन सात तीन सात, और रिजल्ट आपको दिख जाएगा कि क्या रिपीटेशन हो गया, 0.73 73 73 73, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0.73 बार, तो आपका उत्तर कितना आ गया, 0.73 बार, ओके। ऐसे आपको रिपीटेशन दिख जाएगा, और करते हैं
0.42 बार प्लस में 0.13 बार, 0.42 42 42 42 42 लिख लेना है 4-5 बार इसको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सी संख्या रिपीटेशन में शुरू हो गई है। 1 3 1 3 और जोड़िए इसको, 3 और 2 5 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
पाँच आ रहा है, तो 0.5 बारिश का उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, और भी अच्छे से क्वेश्चन पूछता है। 0.47 बार प्लस में 0.56 बार, राइट है, या फिर 11-11 हो जाएगा, ज़्यादा यहाँ 8 कर लो। 0. ये दोबारा लिख देता हूँ मैं आपका, 0.58 बार। अब इसका मतलब देखो, 0.47 47 47, ये पॉइंट है यहाँ पर, 47 47 एंड सो ऑन चलता जाएगा। नीचे जोड़ना कौन सा है, 0.58 58 58 58 58 58 चलता जाएगा। जोड़ो, 7 और 8 15, 15 का 5, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 7 और 8 15, 15 का 16, हासिल भाई यह बाइक, 9 10, 10 और 1 11, 15 और 1 16, 10 और 1 11, 15 और 1 16, 10 और 1 11, 15 और 1 16, 10 और 1 11, और ये पॉइंट आगे चला गया। अब देखो रिपीटेशन पे कौन है, 1 पॉइंट 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6। अब कहोगे सर 1 6 1 6 नहीं, यहाँ 5 भी हैं साथियों, एक स्टेप और होता ये भी 6 होता। तो यहाँ पर रिपीटेशन किसका दिखाई दिया, 1.16 बार, वो तो एंड सोन है ना, लास्ट वाले की टेंशन नहीं लेनी, लास्ट में कौन है, बस ये देख लो रिपीटेशन किसका स्टार्ट हो गया, 1 6 1 6 1 6 1 6, तो 0.16 बार, तो इसका उत्तर क्या होगा, 1.16 बार। और देखो 0.57 बार प्लस में 0.79 बार, ठीक है, तो 0.57 57 57 57 57 एंड सो ऑन, 0.79 79 79 79 79 एंड सो ऑन, 9 और 7 16 का 6, 7 और 5 12 और 1 13, 16 और 1 17, 12 और 1 13, 17 13 17 13 17 13, आगे गया। देखो रिपीटेशन किसका हो गया, 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7, कहोगे सर 6 है, अरे भाई एक स्टेप और होता ये भी 7 होता, अब गया कहाँ तक पता ही नहीं। रिपीटेशन देखो बस इसका है, 3 7 3 7 3 7, तो क्या करोगे, 1.37 बार, तो क्या उत्तर करोगे, 1.37 बार, ओके है। चलो 3 डिजिट की ले लेते हैं, फिर हम बिल्कुल समापन की ओर चल पड़े हैं चैप्टर के। 0.231 बार प्लस में 0.426 बार, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ 0.231 231 231 231, 0.426 426 426 426, 6 और 1 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6, रिपीटेशन कौन किसका भाई, ये तो 0 पॉइंट हो गया ना, 7 6 5 7 6 5 7 6 5 7 6 5 7, तो 0.657 बार, 0.657 बार, ओके साथियों, कर दोगे काम, आशा करता हूँ बिल्कुल कर दोगे, क्यों नहीं, ठीक है, हम
इतने भी बुरे नहीं हैं, और बुरे तो हैं ही नहीं, अच्छे ही अच्छे हैं, और अच्छे में और अच्छे होने लग रहे हैं। एक एक बात को जो एग्जाम के लायक बात है, फालतू की बात एक भी नहीं करनी हमने। एग्जाम के लायक जितने भी चीजें हैं सारी बड़े अच्छे क्लियर तरीके से पढ़नी है बच्चों। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं आपके पर्सन पे, आप प्रीवियस ईयर देखोगे ना आपको खूब आई मिलेंगे ये पर्सन। ठीक है, तो ये था भाई आपका दशमलव भिन्न। ठीक है ना, दो पार्ट पूरे हो गए, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। अब अपना बस छोटा 5 मिनट का टॉपिक है, बस ये समझाना है मैंने इसका मतलब क्या है। सतत भिन्न आपने इस तरह इसको सोल्व कैसे करना है, और कुछ नहीं, सिंपल ही कैलकुलेशन होती है इसमें तो, यानी कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है, अब ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या है और इसको सोल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो भी साथियों, आपको क्वेश्चन दे दे, 2 + 3/4, 2 + 3/4, इसके बटे में 1 + 2/3, ये आपको सोल्व करना हो। कई बच्चे यहाँ गलती कर देंगे, नीचे वाला एक बार सोल्व कर देंगे और ऊपर वाला एक बार सोल्व कर देंगे। 4 × 2 = 8 और 3 = 11/4, और 3 × 1 = 3 और 2 = 5/3, इसको पलट देंगे 11/4 3/5 की उत्तर कर दोगे 33/20, नहीं रॉन्ग, गलत होगा। सर गलत क्यों कर दिया, ये तो बात तो ठीक तो थी। नहीं भाई, जो ये संख्या बटे में है ना, ये सिर्फ 3/4 के बटे में है, ना कि 2 + 3/4 के। ये देखो इसके सामने से स्टार्ट हुआ है, राइट है ना। तो इसका मतलब इन क्वेश्चनों को सोल्व कैसे करना है, पहले नीचे वाला सोल्व करना है, और नीचे वाला सोल्व करके बटे में सिर्फ 3/4 के रखना है, ना कि 2 + 3/4 के। तो करें सोल्व, 3 × 3 और 2 = 5, कितना हो गया 5/3। तो ये क्या है, 2 + 3/4 था ना, उसके बटे में 3 × 3 और 2 = 5/3। इसका मतलब ये है, ये सिर्फ इसके बटे में है, बस यही बात समझनी है आपने। इसके अंदर संख्या पलटी, ऊपर ले लूं थोड़ा, 2 + 3/4 पलट गई भाई, 3/5, 2 + 9/20, 20 × 2 = 40, और 9 × 49 = 20 आपका आंसर बनेगा। ठीक है, और एग्जाम्पल देखो, 1 + 1/2, इसके बटे में 1 + 3/4, नीचे से सोल्व करना प्रश्न, 4 × 4 और 3 = 7, यानी कि 1 + 1/2, 4 × 4 और 3 = 7/4। संख्या पलटी, एक प्लस में 1/2 ऊपर गया, 4/7, 2 × 2 = 4, 2/7, 7 × 7 और 2 = 9/7 आपको उत्तर होगा। समझ पा रहे हो ना, यानी कि ये बटे में सिर्फ 1/2 के है, उस 1 की दोबारी बाद में आएगी। कहीं ऊपर वाला अलग सोल्व कर दो, नीचे वाला अलग सोल्व कर दो, और कहो भाई ये नंबर तो मेरा पक्का, नहीं, वो आंसर की देखते ही कच्चा हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट कच्चा है। कॉन्सेप्ट पक्का, क्वेश्चन पक्का, कॉन्सेप्ट कच्चा, क्वेश्चन कच्चा, और वही जीतेगा जिसका कॉन्सेप्ट पक्का। ये तो शायरी सी बन गई थोड़ी ही भाई। ठीक है, देखो आप, आपको क्वेश्चन गए 2 + 1, ये अच्छा हाँ लिख लूँ भाई, लिखाई इतनी भी तो बेकार नहीं है ना यार अपनी, 2 + 1, हाँ ये भी बड़ा सुंदर लिख दिया, 2 + 1/2, इसके बटे में 1 + 3/4, इसके बटे में 1 + 3/, ओ सॉरी 3 तो वहाँ ले लिया यार, दूसरा ले लें कोई, 3 3 के क्या पीछे लगना है, ये ले लिया भाई, जो ऊपर था वही नीचे कर दिया, राइट है। अब पहले ये सोल्व करना है, ये इसके पास जाएगा, फिर ये सोल्व करना उसके पास जाएगा, 2 × 2 = 1, चलो करते हैं। देखो मैं एक एक स्टेप करता हूँ, अब इसके बाद आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। एक एक स्टेप, 2 + 1/2,
इसके बटे में एक प्लस में तीन बटे चार, और इसके बटे में ये दो एकम दो और एक तीन, तीन बटे दो। संख्या पलटेगी और ये पलट के ऐसे जाएगी ऊपर, दो बटे तीन, तीन से तीन कैंसल, दो दुनी चार, कितना बचा एक बटे दो। ऊपर देखिए ना, यहाँ दो, दो प्लस में एक बटे दो, बटे में दो एकम दो और एक तीन, तीन बटे दो कहाँ जाएगा ऊपर। ये समझ गए होंगे ना कहानी, दो दुनी चार, तीन से तीन कैंसल, तो एक बटे दो ही बचा, और दो एकम दो और एक तीन बटे दो पलटेगा, दो प्लस में एक बटे दो, दो बटे तीन कैंसल आउट, क्या बचा दो प्लस में एक बटे तीन, तीन दुनी छः और एक सात, और नीचे तीन, सात बटे तीन आपका आंसर। ओके, यानी कि ये इसके बटे में है और ये सारा इसके बटे में है, ये इसलिए इसको कंटिन्यूड फ्रैक्शन बोल रहे हैं, ये कंटिन्यूस चलता ही रहता है। एक एग्जांपल और करते हैं और फिर मैं बिल्कुल आपसे आशा करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लोगे। दो प्लस में दो बटे तीन, इसके बटे में एक प्लस में एक बटे चार, और इसके बटे में दो माइनस में एक बटा दो, जरूरी नहीं प्लस प्लस होगा, माइनस भी हो सकता है। तो आओ सॉल्व करते हैं भाई, दो प्लस में दो बटे तीन, और इसके बटे में एक प्लस में एक बटे चार, और इसके बटे में ये दो दुनी चार माइनस एक, कितना तीन बटे दो, पलटी संख्या दो बटे तीन हो गई, दो दुनी चार तो दो तिया छः, ये बन गया। अब यहाँ कर दूँ, दो प्लस में दो बटे तीन, ये देखो क्या बना हुआ है, एक प्लस में ऊपर तो एक ही और नीचे दो तिया छः। अब दो प्लस में दो बटे तीन, इसके बटे में छः कम छः और एक सात बटे छः, पलटेगी संख्या, दैट इम्प्लाइज दो प्लस में दो बटे तीन गुणा छः बटे सात, तीन दुनी छः, और ये आगे आ गया दो प्लस में दो दुनी चार और बटे सात, सात दुनी चौदह और चार अठारह बटे सात आपका आंसर। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह हमने देखा, पहले हमने पढ़ा भिन्न, फिर हमने देखा भाई भिन्न में और परिमेय संख्याओं में क्या फ़र्क है, क्योंकि डेफिनेशन तो दोनों की सीधी सीधी सिंपल सी दिखाई देती है, पी बटे क्या हो, पी बटे क्या हो। फिर हमने देखा क्या जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, पी जीरो हो सकता नहीं हो सकता। फिर भिन्न के दो टाइप थे, एक उचित भिन्न और एक अनुचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न के ऊपर जैसे क्वेश्चन होते हैं हमने सोल्व किए। फिर आगे साथियों, भिन्न के क्वालिटीज़ के आधार पर कितने टाइप हैं, तीन टाइप हैं, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और सतत भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन एंड कंटिन्यूड फ्रैक्शन। साधारण भिन्न पे सबसे छोटा, सबसे बड़ा, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही अवरोही। फिर आगे आई बात किसकी, दशमलव भिन्न की। दशमलव भिन्न किस पे डिपेंड है, दशमलव संख्याओं पर। दशमलव संख्याएं कितने प्रकार की हैं, दो प्रकार की, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग है वो तो भिन्न होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी कितने प्रकार की थी, दो प्रकार की, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग भिन्न नहीं होती, रिपीटिंग भिन्न होती हैं। तो हमसे सीधा क्वेश्चन होगा, भिन्न होती हैं तो उनको भिन्न में बदल के दिखाओ। फिर हमने जो बार वाली संख्याएं हैं उनको भिन्न में बदलना सीखा। हमसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, बताओ कौन सा भिन्न है, उसका अंश क्या है, उसका हर क्या है। फिर आगे बात आई किसकी भाई, सतत भिन्न की, कंटिन्यूड फ्रैक्शन की, जो अभी हमने सोल्व किया। तो प्यारे साथियों, ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर, और इस चैप्टर ने आपके सिलेबस की दो बातों को पूरा कर दिया। आपके सिलेबस में दो टॉपिक लिखे हुए हैं मैथ के पोर्शन में, एक तो लिखा हुआ है फ्रैक्शन, एक लिखा हुआ है डेसिमल नंबर। तो हमने दोनों पढ़ लिए, फ्रैक्शन भी और डेसिमल नंबर भी। तो साथियों, आज अपना ये चैप्टर पूरा हुआ, कल अपना एक नया चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई हों, आपको लगा हो कि हाँ मैं आपकी कहीं ना कहीं मदद कर पा रहा हूँ, तो प्यारे साथियों अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जुड़ के ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकें, ताकि मैथ्स में किसी को प्रॉब्लम ना आए।
ठीक है साथियों, और आपको ये सेशन बड़ा अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, बताएं मुझे, क्योंकि इससे मुझे भी अच्छा लगेगा ताकि मैं और भी उत्साह के साथ आपको चीज़ें पढ़ा पाऊँगा। ठीक है साथियों, बाकी आपका कॉन्सेप्ट मैं हर एक चैप्टर का डेली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता रहूँगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है साथियों, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।